कंपनी में। सो गाइस, आज की क्लास में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आत्महत्या थैली क्या होता है, तो बच्चों आज की क्लास में आप क्या पढ़ोगे? आज की क्लास में आप पढ़ोगे लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। अच्छा गाइस, मैं आपसे एक बात बताऊं, कहते हैं कि पढ़ने में मजा तब आता है, हाँ पढ़ने में मजा तब आता है जब टीचर हमें पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय कराता है। और बच्चों मैं मुझे बता मैं बता दूं कि मैं किसी भी लेवल वाले एग्जाम के लिए पढ़ाती हूँ, चाहे वो टीजीडी हो, चाहे वो वन डे एग्जाम के लिए हो, है ना, तो मैं उनसे एकदम फ्रेंकली बात करती हूँ और फ्रेंकली पढ़ाती हूँ, है ना, ताकि पढ़ाई के साथ साथ, है ना, पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को हमेशा, है ना, हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ हमेशा मैम क्या करना चाहिए, हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैम कहते हैं कि मूवी याद हो जाती है, मूवी देखते हैं पूरी स्टोरी याद होती है, पढ़ाई क्यों नहीं याद होती? इसीलिए क्योंकि मैम पढ़ते 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 थक जाते हैं हम, और आपको समझ में भी नहीं आता। तो बेटा आप हर एक चीज को एक स्टोरी बनाकर पढ़ो, स्टोरी बनाकर पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। तो त्रिशाल एकेडमी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया है, और जल्दी से आप हमारे साथ लाइव जुड़िए, लाइव जुड़िए, उसके बाद हमसे आप पढ़िए। चलिए कोई बात नहीं मैडम, लोग टाइम ज्यादा नहीं लेते, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। और आप त्रिशाल 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 एकेडमी में आए हुए हैं। किस एकेडमी में? त्रिशाल एकेडमी में आए हैं। और आपको पढ़ना है क्या? आपको मैं पढ़ना है लाइसोसोम, है ना। देखिए सबसे पहले बेटा लाइसोसोम के बारे में जान लेते हैं। लाइसो का मतलब क्या होता है, है ना, ये हुआ हमारा लाइसो और ये हुआ मैम हमारा सोम। और मैम सोम का मतलब क्या? सोम का मतलब होता है काय। क्या? सोम का मतलब होता है काय। और लाइसो का मतलब होता है मैम पाचक, डाइजेस्टिव, या बोले तो पाचक, ठीक है। मतलब ये क्या करती है मैम? कोशिका को पाचक करती है, मरे हुआ कोशिका का पाचक करने का काम करती है। बिल्कुल वही आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो लाइसो का मतलब होता है पाचक, सोम का मतलब होता है काय। तो पाचक काय ही लाइसोसोम को बोला जा सकता है, ठीक है। तो मैम हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है? पहला क्वेश्चन आपका आता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो बेटा लाइसोसोम की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था डी ड्यूवे। उन्होंने ना 1955 में लीवर ऑफ रैट, बोले तो क्या मैम चूहे के लीवर में इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम को इन्होंने, ठीक है, इसके बारे में स्टडी किया और इन्होंने लीवर ऑफ रैट में, चूहे के लीवर में मैम इसकी खोज की थी। लेकिन नाम एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था एलेक्स नोविकोव। क्या नाम था मैम उनका? नाम क्या था उनका? नाम बेटा था एलेक्स नोविकोव। और नाम जो ये एलेक्स नोविकोव थे, इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने नाम इसे लाइसोसोम नाम दिया। इन्होंने नाम लाइसोसोम नाम दिया। यू कहो मैम तो लाइसोसोम का नामकरण किसने किया? एलेक्स नोविकोव ने। और नाम इसकी खोज किसने की? डी ड्यूवे ने 1955 में लीवर ऑफ रैट, रैट के मैम लीवर में, ठीक है, इतना आप बता सकते हो। और यहाँ से मैम हमारे सीधे सीधे मैम दो क्वेश्चन बन गए। अब देखिए बेटा हम आप बात करते हैं मैम क्या, तो अब हम बात करते हैं कि पी मैटिल ने, ठीक है, पी मैटिल एक वैज्ञानिक थी। क्या? पी मैटिल, ठीक है, याद रखिएगा बेटा मैं क्या बता रही हूँ। पी मैटिल एक वैज्ञानिक और भी थे मैम, जिनका क्या नाम था मैम? जिनका नाम था पी मैटिल। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने मैम न्यूरोस्पोरा में लाइसोसोम को खोजा था। मैम ये जो वैज्ञानिक थे, ये तो मैम आपने बता दिया कि लीवर ऑफ रैट में डी ड्यूवे ने खोजा था, लेकिन न्यूरोस्पोरा में मैम पी मैटिल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैम न्यूरोस्पोरा में इसको खोजा था। न्यूरोस्पोरा में मैम लाइसोसोम को देखा था, याद रखेंगे आप लोग। और यह साबित किया कि लाइसोसोम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। मतलब न्यूरोस्पोरा में खोजने के बाद इन्होंने ये पॉइंट्स बताया कि मैम ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। ये मैम एनिमल्स और मैम प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, इसका याद रखेंगे आप लोग। एनिमल्स और प्लांट दोनों में ये पाए जाते हैं। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा वॉइस आ रही है, मैं कम कर दे रही हूँ वॉइस, हाँ, इसके लिए थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो बेटा समझ में आ गया सबको। तीन वैज्ञानिक नाम ने आपको बता दिया। कौन कौन सा नाम ने बताया? नाम डी ड्यूवे ने 1955 में लीवर ऑफ रैट, रैट के मैम लीवर में इसको, इसके बारे में खोजा।
एक्सनोविकोव ने मैम इसे लाइसोसोम दिया। ए मैम पी लाटिल नामक वैज्ञानिक थे, पी लाटिल नामक जो वैज्ञानिक थे मैम, इन्होंने न्यूरोस्पोरा में खोया और इन्होंने ये बात साबित कर दी कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में लाइसोसोम पाए जाते हैं। वाह क्या बात है मैम। ठीक है इतना तो मैम कंप्लीट, इतना तो मैम तीन पॉइंट तो कंप्लीट और तीन क्वेश्चन एग्जाम के लिए पक्के मैम याद हो गए, हमारा याद हो गया सबको, बिल्कुल मैम याद होना चाहिए सभी को, है ना, याद हो गया होगा। अब देखिए मैम क्या याद करना है हम लोगों, है ना। लेकिन प्लांट सेल की तुलना में, है ना, एक बात और बता दी इन्होंने कि मैम बट बता दिया, लेकिन मैम प्लांट सेल की तुलना में, है ना, एनिमल सेल्स में लाइसोसोम क्या होते हैं मैम, लाइसोसोम ज्यादा होते हैं। इन्होंने बता दिया कि मैम प्लांट सेल्स की तुलना में एनिमल सेल्स में लाइसोसोम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इतनी बात किसने बताई थी, पी लाटिल नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। ठीक है और मैम लाइसोसोम को हम लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम में क्या होता है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो ज्यादा होती है, और डाइजेशन की प्रक्रिया किस में होती है, लाइसोसोम में ज्यादा होती है, और ना इस वजह से मैम हम लोग, इसलिए मैम एनिमल सेल्स में लाइसोसोम की मात्रा ज्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक है अच्छा ये तो मैम हो गया, लाइसोसोम्स को हम लोग एक पॉइंट बोलते हैं, एक नाम देते हैं, क्या हम लोग नाम उसको बोलते हैं क्या, सुसाइड। ठीक है क्या सुसाइड कर रहे हैं क्या भाई, नहीं 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 सुसाइड नहीं कर रहा है, इसको हम लोग ना लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर बात करें बेटा तो आत्महत्या थैली के नाम से जानते हैं। ठीक है क्या बताया मैम, मैम ने आपको बताया कि मैम लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैम, ऐसा ही इसे हम क्यों कहते हैं, यहाँ से आपका प्रश्न उठता है, और इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी शरीर में सेल होते हैं, जितने भी शरीर में क्या होते हैं मैम, जितने भी हमारे शरीर में सेल होते हैं, और मैम सेल एक नए दिन डैमेज होता है, बिल्कुल डैमेज होता है, तो शरीर में जो सेल होते हैं वो डैमेज होते हैं, या मैम जो डेड होते हैं, ठीक है, या मैम जो एजेड सेल्स होते हैं उनका पाचन कौन करता है मैम, उनका पाचन हमारा लाइसोसोम करता है, उनका पाचन कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसलिए मैम हम लोग, है ना, बोले तो पाचन करने का मतलब पाचन करता है, और बाहर से आने वाली सेल का क्या करता है मैम, पाचन करता है। ठीक है बाहर से आने वाली सेल को भी ये पाचन करता है, और इसीलिए मैम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं या आत्महत्या की थैली बोलते हैं। हमारे मरे हुए जो सेल्स होते हैं उनका पाचन कर उसको भगा देता है, और बाहर से आने वाली सेल को पचाने का, पाचक करने का कौन काम करता है, लाइसोसोम करता है। तो तीसरा चौथा तीन क्वेश्चन तो मैंने डिस्कवर से बता दिए, चौथा क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि लाइसोसोम को आत्महत्या सुसाइड बैग बोल देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सुसाइड बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, और लाइसोसोम को मैम सुसाइड बैग कहा जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब मैम इसकी साइज क्या होती है, है ना, मैम लाइसोसोम की साइज क्या होती है, तो 0.23 माइक्रोन से 0.50 माइक्रोन होती है इसकी साइज मैम, सबको समझ में आया। और मैम लाइसोसोम की जो संरचना के बारे में बात करें तो मैम इसमें मेम्ब्रेन कैसी होती है, झिल्लियां कैसी होती है, तो इसमें बेटा एकल झिल्ली होती है, कैसी होती है, एकल झिल्ली होती है। आप बता दोगी कि लाइसोसोम में कैसी होती है, एकल झिल्ली होती है, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं ये। ठीक है ये कैसे कोशिकांग होते हैं, एकल झिल्ली वाले सिंगल मेम्ब्रेन वाले क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है मैम, जिसमें प्रचुर मात्रा में हाइड्रोलिज एंजाइम होता है, जिसमें मैम प्रचुर मात्रा में हाइड्रोलिज एक एंजाइम होता है, क्या बताओगे, जिसमें प्रचुर मात्रा में मैम हाइड्रोलिज एंजाइम होता है। ठीक है एंजाइम होता है, और मैम इसमें सभी प्रकार के, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रही हूँ, मैंने बताया कि मैम लाइसोसोम एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं, और मैम इसमें हाइड्रोलिज एंजाइम, ठीक है,
जाते हैं। और मैम इसके अलावा मैम ठीक है मैम सभी प्रकार के जैविक बहुलक ना सभी प्रकार के नाम क्या सभी प्रकार के बेटा जैविक बहुलक। और जैविक बहुलक बोले तो क्या जैविक बहुलक बोले तो मैम यानी कि मैम क्या कार्बोहाइड्रेट है ना मैम कार्बोहाइड्रेट मैम प्रोटीन मैम लिपिड मैम न्यूक्लिक एसिड का क्या करता है मैम ये पाचन करने का काम करता है ना मैम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक अम्ल का क्या करता है न्यूक्लिक अम्ल का मैम पाचन करने का काम करता है। कौन करता है मैम लाइसोसोम करता है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बच्चों समझ में आ रहा है आपको मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ एक एक पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। और यह एक प्रकार का कोशिका की नाम यह एक प्रकार का कोशिका की नाम कचरा निपटान बोल सकते हो कचरा निपटान थैली है या आप बोल सकते हो ठीक है या फिर आप बोल सकते हो मैम है ना क्या बोल सकते हो मैम कचरा घर है ना कचरा घर है ना बोल सकते हो कचरा निपटान प्रभाव या बोल सकते हो क्या कचरा निपटारण प्रणाली है ना छोटा सा नाम सबसे अच्छा है ना इसको नाम दे देते हैं मैम क्या मैम नाम दे देते हैं इसको हम लोग कचरा निपटान प्रणाली। क्यों भाई ऐसा इसमें क्या है जो इसको हम लोग कचरा निपटान प्रणाली बोलते हैं। तो मैम इसको हम लोग कचरा निपटान प्रणाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि कचरे को ये क्या करता है सफा करने का काम करता है सबका पाचन कर देता है सबको सही कर देता है इसलिए इसको कचरा प्रणाल निपटान प्रणाली बोलते हैं या बोले तो इंग्लिश में गार्बेज डिस्टर्बल सिस्टम बोला जाता है। इंग्लिश में भी लिख लो इंग्लिश में बोलते हैं मैम गार्बेज डिस्टर्बल ठीक है डिस्टर्बल ठीक है डिस्टर्बल सिस्टम ठीक है। तो मैम इस तरह से इसे कचरा निपटान प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको बताया। और ये एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने क्या क्या पॉइंट बताया मैं रिवाइज कर देती हूँ है ना। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया लाइसोसोम की खोज किसने की थी तो लाइसोसोम की खोज मैम डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1955 में मैम लीवर के सॉरी चूहे के लीवर में मैम इसके बारे में इसकी खोज की थी। उसके बाद मैंने बेटा बताया कि लाइसोसोम का नामकरण किसने किया था तो मैं आपको बताना है कि मैम एक वैज्ञानिक थे इनका नाम क्या था एलेक्स ठीक है क्या नाम था इनका नाम था एलेक्स ठीक है नोविकोफ नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोसोम को नाम दिया था। अब मैम न्यूरोस्पोरा में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पी मैटिल इन्होंने मैम न्यूरोस्पोरा में इसके लाइसोसोम के बारे में देखा और इसके बारे में स्टडी किया उसके बारे में खोज किया और लाइसोसोम न्यूरोस्पोरा में मैम इसको लाइसोसोम को देखा तो उन्होंने ये साबित कर दिया था क्या मैम ये साबित किया कि इसमें प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में दोनों में पाए जाते हैं लेकिन क्या होता है प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल में ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि मैम एनिमल सेल्स में ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या बताया कि लाइसोसोम को हम बेटा सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। सुसाइड बैग बोले तो क्या सुसाइड बैग बोले तो मैम इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्यों क्योंकि मैम ये बाहर से आने वाली जो हमारी कोशिकाएं होती है उसका भी पाचन करती है और जो डेड हो जाती है मर जाती है मैम डैमेज हो जाती है एजेड हो जाती है वो सबका मैम पाचक करने का भी कौन काम करती है लाइसोसोम करती है। उसके बाद मैंने क्या बताया बेटा मैंने एक पॉइंट आप लोग को बताया कि लाइसोसोम होता है वो कैसे मेम्ब्रेन कैसे झिल्ली होती है एकल झिल्ली होती है मैम सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसमें कुछ बहुलक जैविक बहुलक होते हैं जैसे कि मैम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड इन सबका मैम पाचन करने का भी काम करती है। और मैम इसमें एंजाइम होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या इसको मैम हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिस एंजाइम बोलते हैं और मैम इसे कचरा निपटान प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस सॉरी आज की क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ इसके फंक्शन के बारे में और पॉइंट्स हमें आना जो हमारे एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं बेटा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए जरूरी ना हो। सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट के लिए जरूरी है क्योंकि मैं केवल मेन पॉइंट तो बता ही रही हूँ आपको और मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ लेकिन मैं इतनी बात की पूरी गारंटी ले रही हूँ कि मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है। तो ऐसे ही जुड़ी रही है हमारे प्रसाद अकेडमी में और आपको लाइफ जुड़ना है तो जल्दी से प्रसाद अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दी। ओके थैंक यू।